अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग जो है वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11 है, मेरी घड़ी ख़राब है। क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं और हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाने की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं। इनका खाना पैक कर दिया है यहाँ पर, और आज जो है वो अम्मी की और सिस्टर की दावत रखी है मैंने, तो ये लोग बस अभी थोड़ी देर में 12 बजे तक मतलब ये लोग निकल जाएंगे। तो आते हैं, जब तक मैं सब चीज़ें रेडी करके रख रही हूँ। आधा काम तो मैंने कल कर लिया था। आज के मेन्यू में जो बन रहा है वो है पुलाव, चिकन पुलाव, और स्पैगेटी बना लूँगी बच्चों के लिए। बच्चियाँ खाती हैं शौक से, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए स्पैगेटी बना लेते हैं और सबके लिए चिकन पुलाव। तो अभी फ़िलहाल मैंने सब्ज़ी तो सारी काट के रख दी थी कल ही, बस अभी मुझे रेडी करना है। मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ना सब्ज़ी को पका पकू के रेडी कर लेती हूँ, बाकी स्पैगेटी जो है वो मैं 1 बजे बॉईल करने रखूँगी, फिर वो ताज़ी ताज़ी बना के उसमें डाल दूँगी। और बाकी पुलाव का मसाला भी मैंने जो है वो कल ही बना के रख दिया था। मैंने कहा आधा काम कल हो जाए तो आधा काम आज हो जाएगा, क्यों आज अब जो है वो इतना बर्डन नहीं है मुझ पर। फिक्र होती है मुझे कि पहले से काम करके रख लूँ मैं। और मीठे में जो है वो मैं कुछ नहीं बना रही, मीठे में कुछ स्पेशल है तो वो आपको व्लॉग में ही पता चल जाएगा कि क्या स्पेशल है। बाकी पुलाव के लिए मैंने यहाँ पर जो है वो प्याज अपनी ना फ्राई करके रख दी है कि वो ऊपर से डलेगी पुलाव में। और बाकी अब चलते हैं, सब्ज़ी को भूनते हैं, सब पकाते हैं स्पैगेटी की, और इसको भी रेडी करके रखते हैं। आधा काम जो है वो मैं फिर करूँगी 1 बजे। अभी तक ये लोग निकले नहीं हैं, जब निकल जाएंगे तो मुझे कॉल आ जाएगी। और जी बेटे, गाय कट गई। अभी तक गाय पर ही बैठी हुई हो तुम, हैं? बस हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और हमें आज घूमने भी जाना है शाम में। मैंने कहा चलो बच्चियां इतनी दूर से आई हैं और घूमी नहीं है अभी तक, जब से आई हैं मतलब समझो 10 दिन तो उन्हें हो गए आए हुए, तो कहीं घूमी नहीं है, मतलब सबके घरों पे तो चली गई हैं लेकिन बाहर कहीं नहीं घूमी है। तो मैंने कहा चलो आज मैं उनको सिंदबाद घुमा दूँगी, तो सिंदबाद लेके जाऊँगी उनको मैं, देखा नहीं है उन्होंने कभी भी, तो पहली बार ही जाएंगी आज सिस्टर भी और सब बच्चियाँ भी। तो जब आएंगी तो सबसे मिलवाती हूँ मैं आपको। अभी चलते हैं किचन में और करते हैं काम। यहाँ पर जो है स्पैगेटी की मैंने सारी सब्ज़ी जो है वो काट ली थी, चिकन भी मैंने बॉईल करके रख ली थी। मैं हरी प्याज जो है वो नहीं डाल रही, मैं बस ये 3 चीज़ें डालूंगी क्योंकि बच्चियों को जो है ना वो सब्ज़ी पसंद नहीं है बिल्कुल भी, साइड में निकाल के रख देते हैं और खाली स्पैगेटी खा लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कम कम ही सब्ज़ी डालूंगी। अब आ चुका है यहाँ पर पूरा कंप्लीट स्पैगेटी का सामान। मैं रेसिपी नहीं बता रही क्योंकि मेरे चैनल पर पड़ी हुई है मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं अगर आपको देखना है। मैं ये पैकेट डाली हूँ लेकर आई थी अचारी मैक्रोनी हो या स्पैगेटी हो, दोनों में डल जाता है। बाकी ये है रही हमारी स्पैगेटी, ये सब चीज़ें हैं, चिली गार्लिक सॉस, मायनीज, ऑरिगेनो, चिली वो सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, चिकन पाउडर आ गया यहाँ पर। अच्छा, मैं कड़ी पत्ता भी डालती हूँ इसके अंदर, तो इसमें मैंने कड़ी पत्ता रखा हुआ, लहसुन अदरक, काली मिर्चें, तो ये सब चीज़ें डलेंगी। जल्दी से मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। स्पैगेटी का मसाला तो बन चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्पैगेटी, सारी गिर रही हैं आधी तो। बाकी यहाँ अब हम पुलाव का रेडी करते हैं सारा सामान, क्योंकि मेहमान तो आधे आ चुके हैं, ये मेहमान आ चुके हैं और आधे अभी आना बाकी हैं, तो शायद मुझे कम लग रही है, मैं थोड़ी सी और डाल दूँ इसमें, हैं कम ही बनाऊँ ना, पुलाव भी बन रहा है क्योंकि, तो इसलिए बस इतनी बहुत है। अब ये पकती रहेगी, इसको रखते हैं अंदर और जल्दी से पुलाव रेडी करते हैं क्योंकि एक बच चुका है और खाना आधा रेडी हुआ है, आधा नहीं हुआ अभी। स्पैगेटी हमारी रेडी हो चुकी है, यहाँ पर अम्मी ने जो है जल्दी जल्दी से सलाद बना दी, और बर्तन चेक करो, और यहाँ पर हमारा पुलाव भी रेडी हो गया है। बस इसको थोड़ी सी देर हम दम पे लगाते हैं मिक्स करके और फिर सर्व करते हैं जल्दी से। 2 hours later खाना यहाँ पर लग चुका है और जल्दी जल्दी खा लो फटाफट, फिर शाम में हमें जाना है घूमने के लिए, ताकि घर का काम समेट के फिर जाऊँ मैं घूमने, बर्तन बर्तन समेट के। तो चलें खाना खाते हैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। जिस बच्चे ने भी सब्ज़ी छोड़ी उसके मुंह में ठुसाऊंगी मैं, सुन लो। पता नहीं क्या बच्चों में कीड़ा है ये कि स्पैगेटी खाना है और सब्ज़ी छोड़ना है। ये बैठी है किधर, इसकी शक्ल नहीं दिखा सकती मैं, ये छोड़ती है सब्ज़ियाँ। आपने भी खाना है ये इसको देखो ज़रा कैसे खा रही है, ये बच्चों के साथ कैसे बैठ के खा रही है। अभी मैं बोलती ना नहीं खाती। खाना तो हमारा हो
भाई सारा डन हो चुका है। अब भूख लगी थी शाम की, 5 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि मीठे में कुछ नहीं बनाया था मैंने, तो मीठे में जो था वो ये केक था। किसकी बर्थडे है इन सब में से जल्दी बताओ? आपकी? आपकी तो नहीं है, आपकी तो नेक्स्ट मंथ है। किसकी बर्थडे जल्दी बताओ। तो भाई यहाँ पर ना एक शख्स की बर्थडे थी, वो निकल चुकी है, तो मैंने कहा था कि आप जब मेरे घर पर आओगी तो फिर मैं सेलिब्रेशन कर लूँगी। यहाँ मतलब मैंने कुछ सजाया नहीं है, बस ऐसी केक मंगवा लिया था मैंने। तो मैंने कहा चलो चाय बना के लाई हूँ, तो शाम में हम जो है वो ये खा लेते हैं केक। घूमने का प्रोग्राम जो है वो पेंडिंग पे है। कुछ वो जिस जो गाड़ी वाला जो हमने मैंने बुक करवाया था उसने हमें करा दी है टोपी, और कह रहा है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, मैं दूसरी गाड़ी भेज रहा हूँ लेकिन वो ज़्यादा पैसों में, तो मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं आप नहीं आओ, रहने दो। कह रहा है कल का रख लो। मैंने कहा नहीं कल वल नहीं जाना है, तो आज ही जाना है। अब देखो हो सकता है कि हम चले जाएं या नहीं भी जाएं, इसी ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी फिलहाल हम करते हैं यहाँ पर बर्थडे केक कटिंग करके जल्दी से खाते हैं और फिर सोचते हैं कि जाना है या नहीं जाना, तो आप लोगों को मैं बता दूंगी। चलो भाई जल्दी काटो इससे पहले कि मक्खियाँ आ गए और ये दावत शुरू कर दें मक्खियाँ अपनी। अबे ओ बच्ची की बर्थडे, चल इसकी इस बंदी की बर्थडे। चलो जल्दी कट करो, बच्चों से सबर नहीं हो रहा, केक खाना है बच्चों को। सब क्लैपिंग करो भाई। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुरिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। है क्या हुआ, क्या बोलियो, क्या बोलियो? इसमें भी एक बाल है। बाल है, वाओ फिर तो इसका टेस्ट और डबल हो गया होगा। हाँ भाई ये चीजें अगर इसमें से खाने की चीजों में से अगर ना निकले तो ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जितनी भी भले सफाई से बना लो या कुछ भी कर लो लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, तो चलो कोई नहीं। टेस्ट इसका डबल हो चुका है, तो अभी सबको इसको पीस काट काट के दो बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ना सबर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, और एक्साइटमेंट हो रही है बहुत खाने की। जल्दी से काट के दो। ओके जी, तो सब रेडी हो चुके हैं यहाँ पर, और दूसरी गाड़ी हमने मंगवा ली है, वो आ रही है बस 10 मिनट में। सब यहाँ पे बच्चियाँ वगैरह सब रेडी हो चुकी हैं, तो अब जाने के लिए बस बैठे हैं, गाड़ी आती है तो फिर हम लोग चलते हैं। काफ़ी लेट हो चुके हैं, बस थोड़ी सी हमें रोशनी मिलेगी फिर अंधेरे अंधेरे में पता नहीं ब्लॉग बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। जहाँ सही लगा, रोशनी सही आ रही है तो बना लूँगी, वरना देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन है। गर्मी तो बहुत हो रही है, तो बस फ़ौरन से निकलते हैं। अभी अभी फ़िलहाल मैं फ़्रेश होकर आई हूँ, तो मैंने कहा चलो बच्चों भी बच्चियाँ भी रेडी हो चुकी हैं, अब चलते हैं हम सिंबाद और वहाँ जाके आप लोगों से मिलती हूँ। पहुँच चुके हैं हम सामने सिंबाद, अब एंटर होते हैं अंदर। यहाँ के रोड थोड़े से ख़राब हैं, चलते हैं अंदर फिर आपको अंदर जाके मिलती हूँ। पहुंच गए हैं अब हम अंदर, एंटर होते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं और फिर अंदर जाके एक और फैमिली आई हुई, उस फैमिली से भी मिलते हैं। चलो बच्चों घूमो भागो। हाँ हाँ तस्वीरें खिंचवा लो वहाँ पे खड़े होके। एक फैमिली को ढूंढ रहे हैं जो कि अभी मिल नहीं रही है, एक फैमिली घूम हो गई है। कहाँ है भाई दूसरी फैमिली हमारी? अस्सलाम वालेकुम, मिल चुकी है हमारी एक फैमिली। और भाई ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम। अजान हो रही है, अभी एक जगह बैठते हैं, हम अंदर जाके वहाँ चेयर्स लगी हुई हैं, फिर उसके बाद हम कुछ खाते पीते हैं। सारे टिकट्स हमने ले लिए हैं, अब हम जा रहे हैं क्रेजी बस में, सब पूरी फैमिली बैठने जा रही है जितने भी लोग आए हुए हैं, तो चलते हैं बैठने और देखते हैं किसकी हवा निकलती है और कौन इंजॉय करता है। ये इसकी हवा निकलेगी। चलो आओ बेटे, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। चलो अभी तो फिलहाल ये भर चुका है, सेकंड बारी में हम जाएंगे, लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हैं, तो अभी वेट कर रहे हैं। चलो अपने अपने घर,
सिस्टर बैठेंगे, बस हम दोनों और कोई नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये चलता ही ऐसे है ना तो सबको डर लग रहा है। अब देखते हैं हमारा क्या होगा इस झूले में। ओह माय गॉड, मुझे तो देख के अभी से ही डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं। चलो कोई नहीं, खैर लाइफ में एंजॉय करना चाहिए। हाँ, गुदगुदी होती है, डर नहीं लगता। तो चले चलते हैं झूले में। नेक्स्ट डे, कल हम लोग आ चुके थे घूमकर, नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। कल इतनी थकान हो गई थी कि व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि ये साहिबा जो है ना, इन्होंने ना खाना नहीं खाया था, तो इनके लिए पिज़्ज़ा लेने जाना पड़ा। रात को 12 बजे पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ, तो इन्होंने साहिबा ने खाना खाया है, वरना इन्होंने खाना नहीं खाया था। तो फिर 1 बजे हम सोए जाके, फिर नाश्ता वगैरह किया, और अब आ चुके हैं हम फुप्पो के घर पे दावत में। फुप्पो के घर दावत थी आज, तो दस्तरखान अभी लग ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता से, और साथ में बादल भी बहुत ज़्यादा तेज़ वाले बादल आ गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काली घटा आ गई है और अंधेरा हो चुका है बिल्कुल। तो दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो जाए ताकि मौसम अच्छा हो, और देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं। मुझे लग रहा है हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ बादल है यार। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये चेक करो भाई, काले बादल आ चुके हैं यहाँ पर, और अब देखते हैं बारिश कब तक होती है। अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, थोड़ी गर्मी कम हो, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है, बादल ऐसे ही बस हमें खुश करके और चले जाते हैं। तो बस दुआ ही है अल्लाह से कि बारिश बरसा दें बहुत तेज़ वाली, ताकि गर्मी कम हो जाए। तो चले खाना खाते हैं, और खाना खा के आप लोगों से मिलती हूँ। खाने के मेन्यू में आज है हलीम स्टू एंड कबाब है यहाँ पर। चलो भाई जल्दी जल्दी सबको रोटी दो, इस खाना स्टार्ट करो, क्योंकि आंधियाँ आ रही हैं यहाँ पे और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो जल्दी से खाना खाते हैं। बस दो बच्चे यहाँ आ चुके हैं बॉलिंग में, एक तो चली गई थी अपनी अम्मा के साथ, एक रुक गई थी, तो मैंने कहा चलो इन दोनों को ले आती हूँ मैं बॉलिंग में, थोड़ा इन्जॉय कर लेंगी। तो ये दोनों अकेले हैं, कोई भी नहीं है, सन्नाटा हो रहा है, बस थोड़ी सी फैमिली है, तो यहाँ पर ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं आराम से, सुकून से जाओ खेलो बेटा, खेलो मस्ती करो। हाँ बस एक हफ्ता रह गया स्कूल खुलने में, फिर स्कूल जाना, बॉलिंग को भूल जाना। हाँ जल्दी जाओ एंजॉय करो। पार्टी है स्कूल में, किसने पार्टी रखी है, क्या हो गया? चलो बच्चों को एंजॉय करने देते हैं, और मैं अपना खेलती हूँ गेम, जाके पहले कार्ड रिचार्ज करवा लूँ, फिर उसके बाद गेम खेलती हूँ। ओके जी, तो इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।